नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 30 जून को दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद दिल्ली को मिला उनका 23वां पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव के रूप में। बालाजी श्रीवास्तव अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं और उन्होंने चार्ज संभालने के बाद अपने साथियों को, अपनी टीम को एक संदेश दिया है और इस संदेश में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि दिल्ली पुलिस भारतीय पुलिस का चेहरा है और पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस को उसके शानदार कार्य की वजह से जानती है। बालाजी श्रीवास्तव ने अपने इस संदेश में अपनी टीम से 8 प्राथमिकताएं साझा की हैं। क्या वो प्राथमिकताएं हैं वो आपको हम बताते हैं। पहली प्राथमिकता, थानों में जो भी व्यक्ति जाता है उसकी अविलंब सुनवाई हो तथा प्राथमिकी सरल प्रक्रिया से बिना देरी दर्ज करना जारी रखना होगा। दूसरी प्राथमिकता, जांच के स्तर को और बढ़ाना होगा जिससे सजा की दर को बढ़ाया जा सके। तीसरी प्राथमिकता, तकनीकी तरीकों को अन्वेषण में बढ़ावा दिया जाएगा। चौथी प्राथमिकता, बीट प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा तथा ई बीट बुक सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा। पांचवी प्राथमिकता, पुलिस कर्मियों की सुख सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि वो बेहतर माहौल में कार्य कर सकें। छठी प्राथमिकता, उन्होंने बताया कि अच्छे कार्य पर उचित इनाम और बारी से पहले पदोन्नति सुनिश्चित की जाएगी। सातवीं प्राथमिकता उनकी है कि रिक्त पदों को भरना तथा उचित समय पर पदोन्नति। और आठवीं प्राथमिकता, पुलिस कर्मियों के आवास, चिकित्सा, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करना। इन तमाम प्राथमिकताओं के अलावा बालाजी श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि जो उनके साथी हैं, जो उनकी टीम के लोग हैं, उन सभी से उन्होंने कहा कि आप सभी को वैक्सीन लगवानी है, आप सभी अपने परिवार के लोगों को वैक्सीन लगवाएं क्योंकि तीसरी वेव आने की जो आशंका जताई जा रही है उसके लिए हमें दिल्ली को सुरक्षा देनी है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हों, हम वैक्सीनेटेड हों। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 74वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और उसकी तैयारियों को देखते हुए हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये तमाम बातें बालाजी श्रीवास्तव ने अपने संदेश में लिखी हैं और अब जिस तरह से तैयारियों की बात की जा रही है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक अलर्ट रहता है दिल्ली में, उसको लेकर तैयारियों पर जोर रहेगा दिल्ली पुलिस का और साथ ही साथ कार्यप्रणाली को आसान बनाने की बात भी कही जा रही है ताकि लोगों को, जनता को सुविधा हो सके। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।